बैक विद अनदर व्लॉग। तो कैसे हैं जी आप लोग, आपका भाई आपका दोस्त नफी भाई इज बैक विद अनदर आइडिया न्यू कंटेंट न्यू एंजॉयमेंट। यू नो आपके भाई का व्लॉग हो, एंजॉयमेंट ना हो तो ऐसा तो हो नहीं सकता। आज के सीन्स कुछ ऐसे हैं कि इसी के तो पैसे हैं, थंबनेल देख के अंदाजा हो गया होगा आपके भाई के साथ एक बहुत बड़ा स्कैम हो चुका है। उस स्कैम की स्टोरी मैं सुना दूंगा थोड़ी देर तक। अभी चलते हैं जी, काम आपके भाई को बहुत होते हैं, आपको पता है आपका भाई बहुत बिजी बंदा है, दिन रात मेहनत कर रहा है। दुआएं अल्लाह से मांगना चाहिए। दुनिया वाले कुछ नहीं है भाई जान, कुछ भी नहीं है दुनिया वाले, ठीक है, अल्लाह से मांगो, अल्लाह की जात देने वाली है। तो चलते हैं और काम करते हैं, मिलता हूँ। बड़े दिनों बाद लोग हैं, बच्चा मेरा वापस आ गया, जिंदा है, खुश है, बाश है। रात को अंधेरों में सो रहे थे, जिसकी पेंट उतरी वो सामने, भाई मेरी नहीं उतरी थी, पता है यार। अच्छा बासन क्या हुआ था, उसकी पेंट उतर गई थी, नेफी ने व्लॉग कारोबार सीढ़ियां किराए दे देंगे, क्योंकि सीढ़ी हमेशा सक्सेस की सीढ़ी एक दोस्त अच्छा दोस्त देता है। नमाज मास पढ़ ली है, अब चलते हैं जी वापसी एट होम। डन हो गया बाकी काम हमारा, डन है, अब घर चलते हैं। आपका भाई जा रहा है ये नंगे पापी के साथ, नंगे पापी के साथ जिम। यार ना तो साफ कर मुझे उलझे ना यार, अभी चलते हैं जी जिम। आज मेरी रानी इस बगैर तो निकलवा ली है, मेरी रानी भी कहती होगी किस रानी के ऊपर दो किस नंगे पतंगे को बिठा रही है इस पे। चलो यार चलते हैं, इसने तो मुंह दिखाना नहीं, चलो जिम में देखी जाएगा, टेंशन क्यों ले रहे हो। जिम पहुंच चुके हैं, ये बंदा है जो मेरे साथ अपना नाक साफ कर रहा था, और ये भाई वो हैं जो हमारे साथ उस दिन लेग डे कर रहे थे, जिसमें हमारा लेग और इनका डे था। और फुल बॉडी बनाएंगे और पता लग जाएगा। अच्छा जी मैं आपको वो सीन्स बताता हूँ कि वो सीन्स क्या थे जिसकी वजह से आपके भाई के साथ स्कैम हुआ। आपके भाई ने सारे स्क्रीनशॉट वगैरह लिंक कर रखे हुए हैं आपको वो वीडियो के एंड पे या दरमियान में, जहाँ मुझे नासिब लगा मैं वो लगा दूँगा। सीन्स कुछ ऐसे हैं कि मैं
कुछ मेरे दोस्त थे, उन्होंने कहा यार अपना चैनल मोनेटाइज करा, पैसे लगा ले। मैंने कहा यार पैसों का मसला नहीं है, मसला कोई नहीं, मसला ही कोई नहीं, मसला सारा रोटी का। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अच्छा मसला सारा रोटी का, ये गल ऐसी कि भाई ने मैं आ गया अपने दोस्तों की बातों में, यार करा लेते हैं क्या है? किसी ने कहा ना कि अल्लाह सब्र करने वालों को बेहतर देता है, तो मेरे से सब्र नहीं हुआ जिसकी मुझे सजा मिली। मैं इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहा था, उसके ऊपर ना एक ऐड चल रहा था यूट्यूब मोनेटाइजेशन का, और वो तकरीबन 5,000 रुपये में चैनल मोनेटाइज। तो 5,000 रुपये कोई इतनी बड़ी रकम नहीं है, अगर मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाता लाखों रुपये की, लाखों करोड़ों रुपये में गेम है ये। लालच आ गया, मैंने उसको भेजा, बातचीत की उसके साथ, उसने मुझे, बल्कि उसी ने मुझे मैसेज किया, सर इतने में हो जाएगा ये वो, आपका चैनल मैंने देखा है, ओके ये। मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैंने उसको पैसे सेंड कर दिए। उसने भाईजान पैसे मिलते ही कट आउट, इंस्टाग्राम पे ब्लॉक, व्हाट्सएप पे ब्लॉक, ऊपर से जिस नंबर पे मैंने उसको पैसे सेंड किया वो नंबर ही किसी और का था, मतलब किसी जैज कैश वाले का नंबर था या सादा पे, जो भी उसने सादा पे मिला। मैं उसका नंबर तो ऐड कर दूंगा यार, मैं नहीं चाहता, मुझे जो जहाँ तक मेरा माइंड जा रहा है कि वो नंबर उसका नहीं था, वो स्कैम कर रहा था, ठीक है? तो स्कैमर कभी भी अपना नंबर नहीं यूज़ करता, अगर मैं भी स्कैम करूँगा तो कभी मैं अपना नंबर नहीं यूज़ करूँगा, इसलिए मैं नंबर तो ऐड करूँगा। लेकिन आईडी मैं जो उसकी इंस्टाग्राम थी जहाँ से वो बंदों को घेर रहा था, मैं वो ज़रूर दिखाऊँगा आप लोगों को, ताकि आप लोग ऐसे स्कैमर से बच सकें, ठीक है? तो मसला वही है कि यार उसने जिस नाम पर मेरे से पैसे मांगे थे ना, कसम खुदा की मैं कह रहा हूँ, उस नाम पे मैंने पैसे दिए थे कि यार हो सकता है जिस नाम पे वो पैसे मुझसे मांग रहे हैं, स्कैमर हो नहीं सकता। अल्लाह मोहम्मद के नाम पे जब पैसे मांगे ना, दिल नहीं था मांग, लेकिन उनके नाम पे भी अगर वो बंदा स्कैम कर दे तो फिर ऐसी दुनिया पे और ऐसे पैसे पर लानत है। ले जाएगा किधर ले जाएगा, अल्लाह की ज़्यादा दिन हो रही है 2-4 हज़ार, लेकिन मेरे तो 2,000 रुपये गए, ठीक है? कोई मसला नहीं, अल्लाह मुझे और भी देगा, अल्लाह की ज़्यादा नहीं होती है। मैं बार बार एक ही लफ्ज़ कहता हूँ कि अल्लाह की ही ज़्यादा देती है, जब तक अल्लाह आपसे सब्र करवा रहा है सब्र करो, इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा, बेहतर देगा। आप लोगों से भी यही गुजारिश है कि कभी भी कोई भी काम है शॉर्टकट मत चलो, हमेशा लॉन्ग जो रास्ता है ना, लंबा रास्ता आपको सीधा पहुँचा देगा आपकी मंजिल, तो जो शॉर्टकट है ना वो आपको इसी तरह मेरी तरह थोड़ा। और उस बंदे को पैसे देने के बाद से मेरे व्यूज़ शून्य जा रहे हैं, मेरे सब्सक्राइबर डाउन हो रहे हैं, हर चीज़ मेरे पीछे जा रही है, मुझे नहीं समझ आ रही हो क्या रहा है। लेकिन उम्मीद अभी भी मेरी अल्लाह से, और मैंने अल्लाह से माफ़ी भी मांगी, अल्लाह पाक मेरी माफ़ी को कबूल करे। तो मिलता यार तुम लोग से अगले ब्लॉग में, अपने भाई को भी जाएगा थोड़ा सा यार, आजकल समझ नहीं आ रही मेरी ना, तबियत नहीं थोड़ी सी जा रही, इसकी वजह से ब्लॉग नहीं अच्छा बन पा रहा, शायद समझ नहीं आती, ठीक है? तो जल्दी से कर लो लाइक सब्सक्राइब शेयर वेयर जो कर सकते हो कर लो, लव यू हो गया, मिस यू हो गया, किस यू हो गया। मिलता तुम्हारे से अगले ब्लॉग में, अल्लाह हाफिज़।